नमस्कार, जय भारत टीवी के फेसबुक पेज पर आपका फिर से स्वागत है। लाइव आप इस समय हमसे जुड़ रहे हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसने कुछ समय पहले पूरे उत्तराखंड को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जब ये पता चला कि यूके ट्रिपल एससी में एक बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है और पैसे, मोटा पैसा लेकर किस तरह से जो नकारे थे, जो कभी परीक्षा में पास नहीं हो सकते थे, उन्हें उनका चयन कर दिया गया। और जो सफल अभ्यर्थी थे, जो चयनित हुए, जो ईमानदारी से जिन्होंने परीक्षा दी, वो इस वक्त किस हाल में हैं, इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। दो साथी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, प्रवीण असवाल हैं और साथ में सुनील हैं। प्रवीण असवाल और ये वो लोग हैं सुनील, जो लगातार शुरुआत से, पहले दिन से जब ये प्रकरण सामने आया, जब स्कैम का खुलासा हुआ, तब से लगातार इस बात की लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद की भी और तमाम जो चयनित छात्र हैं उनकी अगुवाई भी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो ईमानदारी से पास हुए उन्हें सरकार नियुक्ति दे। अब बहुत लंबा समय हो गया, हम बातचीत शुरू करेंगे। प्रवीण जी, अब क्या आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है लंबा समय हो गया और अभी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा सामने कि सरकार क्या नियुक्ति देगी, अगर देगी तो कब देगी, क्या सोच रहे हैं आप लोग? सर, जैसा कि आपको पता है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है 2020 से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था, 4-5 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। और एग्ज़ाम होने के बाद जो है काफ़ी एक लंबा एक होता है कि एक स्टूडेंट जो इंतज़ार करता है कि कब इसका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट के लिए भी काफ़ी बच्चों ने जो है मेल किए थे, ईमेल किए थे, आयोग के चक्कर लगाए थे। जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी होकर जब रिजल्ट आया था, उसके बाद फिर डीवी के लिए संघर्ष किया था और डीवी के बाद जब बीच में पता चलता है कि इस प्रकार की घटना होती है, तो छात्र के अंदर जो है एकदम से जो है मायूसी वाला जो है एक पल आ जाता है। और ये पल इसलिए आता है क्योंकि एक जो छात्र मेहनत करता है उसकी एक वर्षों की मेहनत होती है। एग्जामों को जो है क्लियर करना, एग्जामों के लिए तैयार होना, ये 2-4 महीनों की बात तो है नहीं, और इसमें काफ़ी संसाधन लगते हैं और बहुत सारी मनोस्थिति से गुजरते हैं। तो ये पूरा जो है अगर आप एक क्यूमुलेटिव अगर आप लोगे तो इसमें कि एक बहुत जो है एक मानसिक स्थिति के साथ साथ, आर्थिक जो है आपके संसाधनों के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। अब इसके बाद आप दिसंबर के बाद देखिए, आप जो है जांच वगैरह जो है, अब एसटीएफ की जांच स्टार्ट हुई, ये मई जून के लगभग बात है, डीबी के बाद जांच स्टार्ट हो गई है और आज जो है ये आपका नवंबर खत्म होने वाला है। आज से मुझे याद है कि 1.5 महीने पहले जो है डीजीपी सर का जो है एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जो है वीडियो की जाँच जो है लगभग अपने अंतिम चरण में है और उसके बाद जो है 1.5 महीना हो गया है और जांच कहाँ तक पहुंची, क्या हो रहा है बच्चों के साथ, क्या हो रहा है, हम कैसे आगे की तैयारी करें जब हमें भविष्य ही पता नहीं। अब हमें बहुत सारे लोग जो है एग्जाम पर हमें कहते हैं, सलाह देते हैं, अरे आप छोड़ दो, आप दूसरे एग्जामों की तैयारी करो। पर देखिए, जो हमारा मन है, चित्त है, हम तो ऐसा तो है नहीं कि एक साधु है एकदम से एकाग्र कर लें, लेकिन क्या होता है कि मन जो है उन्हीं चीजों पर बार बार लगा होता है। एक सफलता आपको मिली थी, उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिल पाया। सुनील हमारे साथ है। सुनील, ये बताइए, पिछले दिनों जब आप मुख्यमंत्री से भी आप लोगों ने मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने एक भरोसा दिया कि जो चयनित युवा हैं, ईमानदार हैं, हम उनके साथ न्याय करेंगे। आपको लग रहा है कि सरकार के स्तर पर चीजें सही चल रही हैं? क्या फीडबैक मिल रहा है आपको सरकार से? सर, जब से हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने हमसे कहा था कि जितने भी आप ईमानदार से चयनित युवा हैं, आपके साथ न्याय किया जाएगा और मिसाल पेश की जाएगी उत्तराखंड में, कि एक तरफ भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा और दूसरी तरफ मेहनतों को उनका जो प्रतिफल है वो मिलेगा। किंतु उसके बाद हमने विभिन्न स्तर से पता करा और हमें उम्मीद थी कि अक्टूबर में हम ये जो है ना, सुबह जो है ना, जब हम मोबाइल खोलते हैं तो हमें ये प्रतीक्षा होती है, आज हमें जो है हमारा इंतज़ार ख़त्म होगा, कल होगा। अक्टूबर से हमने सोचा नवंबर में होगा, नवंबर भी महीना लास्ट चले गया है। तो जितने भी हमारे जो नेतृत्व करते हैं, जितने प्रतिनिधि हैं विभिन्न क्षेत्रों से, हम उनसे लगातार मुलाकात करते रहे इस बारे में कि हमें जो है कुछ जो है कम से कम 2-4 महीने बाद मिले, आधा साल बाद मिले, पर ये हमारा कंफर्म कर दो कि जो है आप हमें आश्वस्त कर दो बिल्कुल कि ये पक्का काम हो गया, आप लोग अब घबराएं नहीं, आपकी मानसिक जो स्थिति है चल रही है इसके बारे में हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं। पर विभिन्न जगहों से लोग हमारे साथ निकले हुए हैं तो उनके लगातार फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि क्या हो रहा है, आपके क्या चल रहा है, आपको कुछ पता होगा। मुख्यमंत्री जी ने फिर उसके बाद कहीं चुनाव रैलियों में जब हमारे बच्चे वहां जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बेफिक्र रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आयोग में भी गए, आयोग में भी जब वहाँ के अध्यक्ष जो अभी नए हैं
मातोलिया जी, उनसे भी उनसे भी मुलाकात करी, तो उन्होंने भी ये कहा कि देखो जो उचित होगा वो करेंगे। तो एक आधिकारिक तौर पे तो बात तो हो रही है, पर कहीं ना कहीं पूर्ण तरह आश्वस्त नहीं है हम लोग, आश्वस्त नहीं है अभी। प्रवीण जी, सरकार इस समय जो नकल के विरुद्ध कुछ सख्ती दिखाई है सरकार ने, और एक 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 कड़ा कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है, किस तरह से उसमें सजा का प्रावधान हो, उसे नॉन बेलेबल किया जाए, इस तरह के तमाम कड़े कानून बनाने की बात कर रही है। लेकिन जिन छात्रों के साथ अन्याय हो चुका है, जो जो अभी तक अभ्यर्थी सफल हुए थे, उन पर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर जांच चल रही है पुलिस की, तो वो लोग, उनका सेग्रीगेशन कब होगा? ये कैसे पता चलेगा कि ईमानदार कौन है? क्योंकि अभी तो दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब सेग्रीगेशन होगा, वो बेईमान कौन है? क्योंकि ये भी पता चला है कि कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन जिनके रिश्तेदार सफल हो गए उसमें, और उनको, उन तक पुलिस पहुंच भी गई है। आप लोगों की भी जांच के दायरे में आप लोग रहे, आपके भी बैंक अकाउंट, या ये भी सुनने में आया कई लोगों के फोन रिकॉर्ड्स भी पुराने देखे गए, तो क्या सेग्रीगेशन हो जाएगा? सर, सेग्रीगेशन होना, हम पहले से कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन होना आज के युग में बहुत ईजी टास्क है। आप देखिए ना कि सर, जैसे जैसे एसटीएफ ने नकलचियों को पकड़ा है, वैसे ही एसटीएफ जो है, जो बिल्कुल ईमानदार छात्र हैं, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन कर सकती है। क्योंकि ये एक जो है, ऐसा तो था नहीं कि अगर ये एक आम घटना होती कि हाँ एक जो है आम घटना है, और पेपर जो है आपका करणपुर में मिलना सबको पता होता, तो सब तक होता और उस चेन पे हम हर कोई जुड़ा होता। लेकिन ये एक जो है सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जिसकी खबर किसी को पता नहीं थी। यहाँ तक आप देखो, करणपुर एक हब है पढ़ाई का, देहरादून एक अच्छा एक हब है, लेकिन हम लोगों ने 6-7 महीने हो गए, लेकिन मुझे आज तक कभी पता नहीं चला कि ऐसे काम भी होते हैं या होते होंगे। तो जब इतने जो है उन्होंने सीक्रेट तरीके से काम किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने रेवड़ी बांटी होगी और जो है बिल्कुल आज, क्योंकि अगर ऐसा कार्य कोई करता है तो उसके जो है फैलने की संख्या बहुत बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई कार्य तो नहीं हुआ है, वो लिमिटेड मात्रा में हुआ है और एक चेन के माध्यम से हुआ है। तो वैसे ही काम हुआ है, जैसे आयोग के जो है अध्यक्ष जी ने जो है एक लिस्ट बना के दी थी, उन्हीं पे जब काम हुआ, उन्हीं पे जब रिसर्च हुई, और जो उन पे रिसर्च हुई, तो रिसर्च होने के बाद पूरी चेन, पूरा रैकेट सामने आ गया है, और एक एक बच्चे को ट्रेस किया जा सकता है। क्योंकि संपर्क साधने के लिए जो है उपकरण की जरूरत होती है, कुछ भी चीज़ करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए आप किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होंगे। बिल्कुल। तो सेग्रीगेशन, मुझे नहीं लगता है कि सेग्रीगेशन नहीं किया जा सकता है। सेग्रीगेशन बहुत ही आसान है। अगर आप जो है यूपी का एग्जांपल देखेंगे, यूपी में जो है आपकी बीजेपी की सरकार है, वहां उनका रवैया आप देखिए ना, आपका जो है एसआई का एग्जाम होता है, उसमें धांधलीबाजी होती है, किस प्रकार से वो सेग्रीगेट करते हैं और कैसे नियुक्ति दे रहे हैं। वैसे ही पटवारी का एग्जाम हुआ। लेकिन ये जमाना, अब आज का जो है जमाना एडवांस हो गया है। हो सकता है कि अगर ये प्रकरण जो है आज से 20 साल पहले होता, तो सेग्रीगेशन करना बहुत मुश्किल होता और ये एग्जाम कब का कैंसिल हो चुका होता। क्यों? क्योंकि जब सेग्रीगेट ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज की डेट में आप दोषियों को स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से पकड़ पा रहे हो, एक एक गुनहगार आपके सामने है। और सर, एक बात मैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए ना, इस भर्ती में जो है 100 से 150 लोग जो है बेईमान है, और ईमानदार इसमें जो है 750, 700, 750 लोग ईमानदार हैं। तो आप ये बताइए सर, जो ये बेईमान लोग हैं, इनकी संख्या हमारे सामने, जो सेलेक्टेड लोग हैं इनके सामने तो कम ही, अल्पसंख्यक ही कहूंगा इन्हें, तो क्या ये हमारा भविष्य डिसाइड करेंगे? क्या ये 100-150 लोग जो है, ये इन्होंने बेईमानी की, एक तो इन्होंने बेईमानी की, बेईमानी करने के बाद इन्होंने सब कुछ किया, और इसके बाद ये भविष्य किसका अंधकार में डाल रहे हैं? ये हमारा ही भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। तो क्या ये जस्टिफाई है? इसका जस्टिफिकेशन आप कर सकते हैं कि कोई आए और जो है पहले मेरे घर में जो है चोरी करे, और चोरी करने के बाद जो है मुझे ही बोले कि तू भी जो है सुसाइड कर दे? तो ये सर, ये ऐसा प्रकरण हो रहा है। हम बार बार जो है न्याय की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐसे वर्ग जुड़े हुए हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उनको आपके सामने इंटरव्यू के लिए खड़ा कर दूंगा। हमारी बहनें हैं जब हमसे बात करती हैं, क्योंकि हम ही लोग उसमें जो है, सब बच्चे हमें अपनी आप बीती सुनाते हैं। एक बहन है, मैं पूरा उसका समस्या तो नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा बता देता हूँ। उसका मुझे फोन, उसके भाई का फोन आया था, तो वो मुझसे बात करता है कि भैया क्या हो रहा है। तो उसने अपनी बहन के बारे में बताया कि मेरी बहन जो है इस प्रकार से, जो उसकी तबीयत खराब हुई और उसका ये मतलब बहुत गंभीर जो है उसको मतलब बीमारी हो गई थी, उसका इलाज करवाया, और आज की डेट में क्या है कि वो अगर स्ट्रेस लेती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है।
और एक बहन है हमारी, वो गर्भवती है, उसने मुझे फोन किया था कि भैया जो है मैं देखो मैं अभी जो है सातवां छठवां महीना चल रहा है और इस प्रकार से मैंने बहुत मेहनत की है, मैं अपने घर परिवार से लड़के जो है ये आई हूँ और मेरे साथ तीन चार बहनें और हैं, आप बताइए कि मैं अगर मेरे सामने ये नहीं होगा मेरे भविष्य क्या है, मेरे सामने तो बिल्कुल अंधकार है, मैं कैसे करूं। गवर्नमेंट बेटी बचाओ का नारा दे रही है, पढ़ा लिखा कर रही है, लेकिन अगर आज मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं तुम ये सब चीजें मेरे किस काम की है, पढ़ना मेरा किस काम का है, मैंने पढ़ाई किस दिन के लिए की थी, क्या पढ़ाई मैंने आज अपने जीवन को अंधकार में जाते हुए देखने के लिए की थी कि मैं जो है कुछ करके मैं नौकरी लग के या अपने घर परिवार को स्टेबल करके इस चीज के लिए की थी। अगर मैं जो है सशक्त बनूंगी मेरा परिवार तभी तो बनेगा सशक्त। तो ये सब बातें जो है हमने देखी हैं और एक एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। हो सकता है कि आपको ऐसे व्यक्ति मिले जो एग्जाम को कैंसिल कराने की ओर ज्यादा फोकस करते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति जो है उनकी आप बीती सुन लेंगे ना तो उस दिन उनका हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा कि हाँ ये छात्र कुछ गलत नहीं कह रहे, इन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके ईमानदारी से ये सिर्फ अपना हक मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। तो सर ये आप बीती है सर। और बच्चों का जो है सर लगातार हमें पता है किस प्रकार से जो है जब से रिजल्ट आया है ना एक भी छात्र जो है अपनी मानसिक स्थिति में नहीं है। एक होता है कि एक नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल लेवल पे इंसान की जो है मनोदशा है, तो वो मनोदशा कब होती है जब इंसान बिल्कुल अपनी पढ़ाई लिखाई पे लगा होता है, रिजल्ट आता है तो उसकी मनोदशा अच्छी हो जाती है, वो खुश होता है, उसका पूरा उसने अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर लेता है। लेकिन जब से ये हुआ है भविष्य का कुछ पता नहीं। हाँ वो तो मैं शुक्रिया करूंगा सूबे के मुख्यमंत्री का कि उन्होंने हमें आश्वस्त किया, उन्होंने बार बार कहा है, उन्होंने जो है अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर हो या फेसबुक हैंडल हो, चाहे वो अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, हर जगह उन्होंने DIPR हो, उन्होंने हर जगह आश्वस्त किया है कि वो जो है कभी भी हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बस मैं तो अपने मुख्यमंत्री से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, ये आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप जो है देखो हम आपको अभिभावक के रूप में देखते हैं, और आप क्या ये चाहोगे कि आपके नौनिहाल, आपके जो बच्चे हैं, ये सब बच्चे जो है आपकी तरफ टकटकी लगाए हुए बिल्कुल एक एक नजर से देख रहे हैं, क्या आप ये चाहोगे कि नकल माफिया जैसे जो ऐसे जो है गैंगस्टर लोग हैं, जो नकल माफिया लोग हैं, ये आपके नौनिहालों का शोषण करें और उन्हें जो है मृत्यु संज्ञा पर जो है उन्हें मजबूर कर दें कि वो आज जो है सुसाइड के लिए जो है मजबूर हो जाए, तो क्या आप जो है ऐसा अन्याय हमारे साथ होना देखना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो है वो भी एक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी एक इंसान है, उनका भी व्यक्तिगत सोच होगी, तो उसमें यही है कि हमारे साथ न्याय हो, कि हम गलत क्या कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं। सुनील भाई बात जो बात इन्होंने कही है प्रवीण जी ने, ये परीक्षा की एक तैयारी होती है, जाहिर सी बात है स्नातक स्तरीय परीक्षा थी वो, मेरे ख्याल से ग्रुप सी के बराबर है वो, कितनी मेहनत उस परीक्षा के लिए थी और वो कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए निकालना उसको, वो बताइए जरा हमारे श्रोताओं को कि कितनी मेहनत थी उसके पीछे। सर मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में कोई भी ग्रुप सी का एग्जाम होता है तो उसमें तकरीबन कोई भी एग्जाम है जब वो विभाग से वो पोस्ट निकलती है, जब वो वहाँ पे ये आवश्यकता होती है कि यहाँ पे कर्मचारी चाहिए, वहाँ से लेकर और उस विभाग में कर्मचारी पहुँचाने में तकरीबन 5 साल लग जाते हैं। ये 2017-18 में इसका जो है आयोग को विभाग ने अध्याचन भेजा, उसके बाद आयोग ने देखा कि ये दो चार पोस्टें हो रही तो हमारा जो है 13 विभाग थे, तो 13 विभागों को सम्मिलित करके 2020 में इसमें फिर फॉर्म निकले, हमें फॉर्म भरने का मौका मिला। 2021 में एक साल बाद इसका एग्जाम हुआ और एक साल बाद 2022 में हम यहाँ बैठे हैं। 5 साल लगे पूरा, और उसमें भी हम 2017 से ख्वाब लगा के बैठे हुए, खासकर जो मेरा वर्ग है दिव्यांग वर्ग, उसको बहुत कम चांस है। अभी देखो जितने एग्जाम हो रहे हैं अभी पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड जहाँ भी है वहाँ पे मौका नहीं है, तो लगातार जब 4-5 साल तक आप इस उम्मीद में रहते हो कि आएगा फॉर्म, हम लोग फॉर्म भरेंगे, फिर हम नौकरी लगेंगे, बहुत सारे अरमान घर वालों के साथ में चल रहे हैं, यहाँ देहरादून में अकेले बैठ गए एक रूम पे पढ़ना वो बहुत मुश्किल हो जाता, मानसिक जो स्थिति होती ना बच्चे की वो बिगड़ती है इसमें कि भविष्य क्या होगा, कल आने वाला कल क्या है, और घर वाले जो है लगातार हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो भी पानी के हिसाब से बह रहा है, एक नॉर्मली से अगर कोई रहेगा एक रूम में तो 4,000 से नीचे कोई रूम नहीं है, उसको पहले तो पढ़ाई पे ध्यान देना, ऊपर से उसे अपने बजट को भी देखना होता है कि महीने का कैसे निकालना है, अगले महीने फिर मकान मालिक खड़ा हो जाएगा सर पे, तो इस बीच में वो कसमकस रहती है। और उसके साथ में आपको ये भी पता है कि आपके साथ जो है 2.5 से 3 लाख बच्चे जो है एग्जाम में बैठने वाले हैं, और उनमें से आपने सीमित जो पोस्ट हैं उनमें अपना नंबर बनाना है,
तो उसके लिए स्पेशल रात को मैं देखता हूँ कि रात को भी हम लोग जागते हैं। अभी तो फिलहाल मैं किसी एग्जाम में नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि अभी जब तैयारी कर रहे हैं कोई पटवारी की, तो मैं बात करता हूँ अपने दोस्तों से, तो रात रात भर अभी तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने भी करी है ऐसी, दो दो तीन बजे तक सोना होता था, फिर 5 बजे उठना, पूरा टाइम टेबल दीवार पे। अभी भी अगर आपको कभी आपको समय लगे तो मेरे रूम पे अभी भी पूरा टेबल पड़ा हुआ कि इतने बजे जागना, ये करना। तो अपनी लाइफ को उसके हिसाब से, और तकरीबन 1-1.5 साल तक घर नहीं जाना। अभी जैसे दिवाली आई, कल हमारे यहाँ बगवाल थी, तो कहीं पे भी मन जाने का नहीं हो रहा। अगर किसी के यहाँ अभी घर चले जाऊँ तो घर में आस पड़ोस के लोग बिल्कुल कान लगा के अभी उनके नज़र में टकटकी है कि तुम्हारा क्या हो रहा है, वो पूछते हैं। और उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो तीर की तरह चुभते हैं आज की डेट में, कि हमने इतने साल इसमें मेहनत करी। और उसके बाद मैं परसों एक रैली में था, तो वहाँ पर जब हम रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने प्रतिनिधियों से, तो वहाँ धक्के लग रहे थे हमें, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं। हमने जीवन, क्योंकि एक ऐसा ना देखा जाए कि एग्जाम सिर्फ 1 साल का है, हमने जीवन जहाँ से यूपी के टाइम में पढ़ाई शुरू करी और आज उसका निचोड़ है, तो जितना उस समय से वहाँ तक का लगता है कि जब धक्के खाते ना इधर उधर, कहीं दफ्तरों में धक्का लग रहे हैं, कहीं किसी के उसमें लग रहे हैं, तो तब ऐसा लगता है जलील हो रहे हैं हम लोग। पूरी पढ़ाई मेहनत इस एग्जाम में झोंक दी और सफलता। और फिर सर मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ कि जो आने वाला भविष्य हमारा, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ये समझिए जैसे हम लोग इस चीज से गुजर रहे हैं ना, आपको भी नेता तैयार करना पड़ेगा। हम मजबूरन यहाँ पे आए हुए हैं, हम कोई कल के दिन कोई चुनाव में लड़ना, हो सकता है किसी का स्वार्थ हो तो चुनाव के लिए बात कर रहा हो, उसे भविष्य देखना है, पर अगर आगे आपको कोई एग्जाम निकालना है तो आपको लीडरशिप भी आनी चाहिए इस चीज के लिए कि कल के दिन आपके हकों को खाने के लिए कोई ना कोई जरूर बैठा होगा। बिल्कुल, रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर जाना पड़ता है, उसके लिए राजनीति चाहिए, और मिलने के बाद ये हालत है उत्तराखंड में। परवीर जी, आखिरी सवाल मेरा अब आपसे है, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सर, डिमांड से पहले मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। सर, आप ये जो एग्ज़ाम है, सिर्फ स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम को अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि ये लिंक है, बाकी एग्ज़ामों से लिंक है, क्योंकि इस पे 916 छात्र हैं। इसमें अगर जो है सिलेक्शन होता है, ये लोग जो है आपके जब इस जो है पढ़ाई के एक लगाओ कि स्टडी सेंटर है, एक सर्कल है, इस सर्कल से जब बाहर होंगे तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं, तो उनको जो है रोज़गार मिलेगा। जैसे जैसे एग्जाम क्लियर होंगे तो बच्चों को मौका मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि अब देखो ये 916 इसमें फंसे हुए हैं, 916 कनिष्ठ सहायक में है, तो एक जो है अच्छी खासी जो है यहाँ पे 700 800 की या 1000 की एक ऐसी चेन है, या 1500 कहूँ 2000 कहूँ ऐसी चेन है जो हर एग्जामों में आपको दिखेगी। तो ये आप सोचिए कि अगर ये एग्जाम जो है, इस एग्जाम पे आप क्लियर नहीं करोगे, बाकी एग्जाम है वो वाले छात्र भी, ये वाले छात्र वहां पे भी है, वहां पे भी है, तो ये हर जगह जाएंगे, 4 महीना वहां नौकरी करेंगे, उसके बाद 4 महीने वहां करेंगे, और ऐसे में जो है विभाग वेटिंग लिस्ट निकालने में भी बहुत समय लगता है, बैकलॉग भर्तियां होती हैं। तो जब आप जो है पूरी एक चेन को समझोगे, सपोज 5000 की वैकेंसी आई थी और करते करते जो है ज्वाइन करेंगे 700-800 और बाकी सब भर्तियां बैकलॉग में जाएगी, कोई कहीं जाएगी, कोई कहीं जाएगी। तो इसलिए क्या है कि स्टेप बाय स्टेप जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा। स्नातक स्तरीय परीक्षा इसको क्लियर कीजिए, इसके बाद जो है बाकी परीक्षाएं धीरे धीरे चरणबद्ध जो है क्लियर कीजिए। भ्रष्टाचार 2014 से हो रहा है, अगर आप 2014 से लगातार कर दो तो प्रदेश में तो एक भर्तियां भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसलिए इस समय की जो है मांग है, सेग्रीगेशन करना ही मांग है, और सेग्रीगेट करके ही बच्चों का भविष्य सुधारा जा सकता है। नियम कानून बनते हैं और बनाते कौन है? हमारे द्वारा चुने हुए लोग ही बनाते हैं, हम उन्हें विधायक चुनते हैं और वो विधायिका में जाते हैं और कानून बनाते हैं और वो जो है आपका एक्ट हो जाता है। तो क्या बड़ी बात है एक्ट बनाना? भाई छात्र हैं, छात्र जो है आपसे जो है अपने हक की लड़ाई तो मांग रहे हैं, क्या इतना तो सरकार को तो होना ही चाहिए कि भाई मेहनती छात्र का जो है कोई गला ना घोटे, समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहे। समाज में न्याय व्यवस्था कब बनी रहेगी? जिसने मेहनत की उसको उसका हक मिले, जिसने बेईमानी की है वो जो है किनारे किसके? तो सर यही बात पे जो है सरकार पे मैं यही कहना चाहता हूँ। और अंत में सर मैं मुख्यमंत्री जी के लिए संदेश भी देना चाहता हूँ कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी, हम आपको अभिभावक के रूप में देखते हैं और हम जो है भारतीय राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। हमने जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है चरित्र को देखा है और उनकी राजनीति को भी देखा है, और हमने देखा है किस प्रकार से जो है पक्ष और विपक्ष उनका सम्मान करता है। उनके भाषण हो चाहे उनके जो है ऐतिहासिक फैसले हों, उनके फैसलों को हम देखते हैं और हम भी उनके जीवन से बहुत प्रभावित हैं। हम कोई पार्टीवाद से उभर कर नहीं बोल रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर कि हमारे देश का जो है एक ऐसा जो है
प्रधानमंत्री था जिसका पक्ष और विपक्ष इतना सम्मान करता था कि आज भी जो है एक एग्जाम्पल है। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि देखिए मुख्यमंत्री का जो पद है या जो भी चीजें हैं ये आती और जाती हैं। आपने हमने उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री देख लिए, आ रहे जा रहे हैं, लेकिन जब उनके आप कार्यों पे देखेंगे, विशेष कार्यों पे देखेंगे कि आपका क्या ऐसा कार्य था कि जो 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 बिल्कुल याद रखा जाएगा, तो वैसे ही जो है बहुत मतलब ऐसे जो है सौभाग्य से अवसर मिलते हैं कि किसी मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ जो वंचित है या ऐसे कमजोर व्यक्ति के साथ या जिसके साथ न्याय नहीं हुआ है, और ऐसा मौका मिले कि जो है उनके साथ न्याय हो और उनका हक मारा ना जाए, तो ऐसा अवसर आपके पास है। आप जो है छात्रों के साथ न्याय करके, ऐसे जो वर्ग के साथ न्याय करके, जब आपके सामने ऐसी स्थिति हो कि जो है एक तरफ भ्रष्टाचार ही हो, एक तरफ आपके साथ ईमानदार व्यक्ति हो, और ईमानदार आपके तरफ जो टकटकी लगाए हुए अभिभावक के तौर पे आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हो और आपसे कह रहे हो कि सूबे के मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय कीजिए, इससे अच्छा मौका आपके लिए कभी नहीं हो सकता है। और आप जो है भविष्य में जरूर आप इस बात पे जो है आप मंथन करेंगे कि हाँ वो मेरा समय था, अगर मैं ये फैसला जो है छात्रों के लिए अभी कर देते हैं तो ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला होगा। बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला होगा, और जो मांग मुख्यमंत्री से कर रहे हैं चयनित छात्र, उनकी यही मांग है कि एक लंबी लड़ाई मेहनत के बाद एक परीक्षा पास की है, भविष्य आगे खतरे में है, सेग्रीगेशन होना चाहिए, हर हाल में सेग्रीगेशन होना चाहिए, और इस वक्त जिस दौर में हम जी रहे हैं उसे बहुत आसानी से पुलिस कर सकती है, और जो चयनित हैं ईमानदारी से उन्हें नियुक्ति पत्र मिले, मांग यही है। इनका इंतजार पिछले 5 साल से इस परीक्षा को लेकर था, पूरे प्रोसेस को होने में 5 साल लग गए, अब महीने के महीने बीतते जा रहे हैं, हर दिन गुजरता दिन चयनित छात्रों पर भारी पड़ता जा रहा है, ये इंतजार कहाँ खत्म होगा अभी कहना मुश्किल है। हमारे साथ लाइव में आप सब जुड़े रहे, अभी के लिए नमस्कार।